हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, हमारे साड़ी में जो ब्लाउज निकलता है तो उसमें ब्लाउज में जो वर्क दिया होता है, तो उस वर्क वाले ब्लाउज की हम कटिंग कैसे करें, उसमें आर्म होल और शोल्डर कितना ले, ये तरीका आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे ब्लाउज में वर्क दिया होता है, दोनों साइड में तो स्लीव रहती है और बीच में हमारा बैक पार्ट रहता है और इसमें वर्क दिया हुआ होता है। तो आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा यहाँ पर यह ब्लाउज में वर्क दिया हुआ है। इस तरह के ब्लाउज में नेक की शेप दी होती है। यहाँ से नेक की लेंथ है 6.5 इंच और यहाँ से चौड़ाई है 8 इंच। हम इसे बैक पार्ट में यूज करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर नेक की लेंथ कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये किस तरह से कटिंग होगी ये तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसकी कटिंग हम पहले लाइनिंग फीस पर करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये डबल फोल्ड करके लाइनिंग फीस बिछा लिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से है बंद साइड और यहाँ से है ओपन साइड। अब हम बंद साइड की तरफ से इसकी लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर 15 इंच पर लाइन बना लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच के, क्योंकि हमारा नेक छोटा है तो हमें शोल्डर ज़्यादा लेना है। नेक की लेंथ अगर ज़्यादा होती तो हम शोल्डर कम लेते। तो देखिए, इसी हिसाब से हमें लेने होते हैं कि हमारा नेक किस साइज का है। अगर छोटा है तो हमें शोल्डर ज़्यादा लेना है, और अगर नेक बड़ा है तो हमें शोल्डर कम लेना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने 7.5 इंच के शोल्डर लिए हैं और आर्म होल भी हम 7 इंच के लेंगे। ये भी हमें नेक के हिसाब से लेना होता है कि नेक हमारा बड़ा हो तो हमें आर्म होल हम कम ले लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर नेक छोटा है तो हमें आर्म होल ज़्यादा लेना है, तो हम 7 इंच के आर्म होल ले लेंगे। यहाँ से चेस्ट का फोर्थ भाग करेंगे, तो चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। कमर का फोर्थ भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए टाइप से। अब हम इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए हम अंदर की साइड में हमें 0.25 इंच पर मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने शोल्डर ज़्यादा लिए हैं तो हम यहाँ पर अंदर की साइड में 0.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से टाइप से तिरछी लाइन मिलाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर तिरछी लाइन मिला लेनी है। अब हम यहाँ से बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और जो हमने 7 इंच पर मार्किंग की है उसके हाफ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है, नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं। बैक पार्ट को कट करने के बाद में फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए, इस टाइप से हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच की, और यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। फ्रंट पार्ट में भी हम 7.5 इंच के शोल्डर लेंगे और आर्म होल 7 इंच के लेंगे। जितने हमने बैक पार्ट में लिए हैं उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी लेने हैं। अब हम यहाँ से चेस्ट का फोर्थ भाग करेंगे 9 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। टक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे हम 11 इंच, यह हमें चेस्ट के हिसाब से लेनी होती है। तो देखिए, हमारा चेस्ट है 36 इंच का, तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया और उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। जितना भी हमारा चेस्ट हो उसे 4 से डिवाइड करने के बाद में उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। तो हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग करेंगे टक्स पॉइंट की लेंथ के लिए, और यहाँ से नीचे की साइड में हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। यह हमारी योक तक की लंबाई रहेगी। लाइन बना लेंगे और कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। टाइप से हम इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए भी हम अंदर की साइड में 0.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से तिरछी लाइन मिलाएंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए हम यहाँ पर 1 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 20 सेंटर में मार्किंग करेंगे और इस टाइप से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे।
हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, अब हम इसको कट कर लेंगे। इस टाइप से कट करने के बाद में हम नीचे की साइड में 1 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस टाइप से गोलाई से मिला लेंगे और कट कर लेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई रखेंगे, तो नेक ही यहाँ से नेक की चौड़ाई हमें 4 इंच रखनी है, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा नेक छोटा है तो हम यहाँ से नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 इंच रखी है और नेक की लेंथ रखेंगे हम 6.5 इंच। टाइप से एक चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे। और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से टक्स पॉइंट की चौड़ाई रखेंगे, तो हमें चौड़ाई हिसाब से रखनी है कि जितना भी हमारा चेस्ट है उसे हमें 10 से डिवाइड करना होता है। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच और 6 पॉइंट आएंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और दोनों साइड में 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमें यह टक्स पॉइंट 1 इंच का लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और सीधी लाइन मिला लेंगे। इस टाइप से दोनों साइड में जो हमने मार्किंग किया है उन्हें भी मिला लेंगे। बीच सेंटर में हम मार्किंग करेंगे और इस टक्स पॉइंट का गैप रखेंगे हम 1.25 इंच। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। जो हमने यहाँ पर यह टक्स पॉइंट का गैप रखा था 3.6, तो उसका हाफ करेंगे तो 1.25 इंच आएगा। तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच पर यहाँ पर यह पॉइंट लगा लिया है और यहाँ से इस पॉइंट को हम इस टाइप से मिला लेंगे। इस टक्स पॉइंट का गैप 1/2 इंच का रहेगा, तो 1/2 इंच को हम दोनों साइड में कर लेंगे। इस टक्स पॉइंट का गैप भी 1.25 इंच रहेगा और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। और यह टक्स पॉइंट भी 1/2 इंच का रहेगा, तो 1/2 इंच को दोनों साइड में करेंगे और इस टाइप से लाइन को मिलाएंगे। और चौथे टक्स पॉइंट का गैप भी 1.25 इंच का रहेगा और यहाँ से इस टाइप से लाइन को मिला लेंगे। दोनों साइड में 1/2 इंच का हमारा टक्स पॉइंट का मार्जिन रहेगा। तो देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पर चारों टक्स पॉइंट को मार्क कर लिया है। अब हम आर्ट की कटिंग करेंगे, तो देखिए बचे हुए फैब्रिक को हम इस टाइप से रखेंगे और ये फैब्रिक भी थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर साइड में और फैब्रिक जोड़ लेंगे इस टाइप से रखते हुए। तो देखिए हमने बैक पार्ट की लेंथ रखी थी 15 इंच, तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसमें हम आर्ट को जोड़ेंगे तभी भी हमारा फैब्रिक जाएगा और हम इसे ज़्यादा ही ले लेंगे। थोड़ा बाद में जो ज़्यादा रहेगा उसको हम कट कर लेंगे और इस हिसाब से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर आर्ट की भी कटिंग कर ली है। स्लीव की कटिंग करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम बैक आर्म होल को मेजर करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा 10 इंच आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 10 इंच चौड़ाई का ये फैब्रिक कट कर लिया है और इसकी लेंथ भी हमने 10 इंच रखी है। 9 इंच की हमारी तैयार रहेगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस टाइप से एक लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 8 इंच बचा है, तो इस टाइप से हम एक लाइन बनाएंगे 8 इंच पर। 8 इंच का हाफ करेंगे तो 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसका भी हमें हाफ कर लेना है, तो 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से टाइप से लाइन को मिलाएंगे। अब जो हमने 3.5 इंच पर मार्किंग किया है उसका हम हाफ करेंगे और इस टाइप से यहाँ पर बीच में भी हमें एक लाइन बना लेनी है। इस टाइप से हमने यहाँ पर 3 बॉक्स तैयार कर लिए हैं। जो बड़ा वाला बॉक्स है उस पर हम इस टाइप से तीसरी लाइन बनाएंगे और इस कॉर्नर से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है और 1 मार्किंग हम 1/2 इंच पर करेंगे
और जो फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पर हम 1 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ से स्लीव की शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हम शेप ड्रॉ करेंगे, तो जो हमने 1 इंच पर मार्क किया है वहाँ से हमें इस शेप को मिला लेना है। अब हम बैक पार्ट के लिए शेप ड्रॉ करेंगे, तो जो हमने ऊपर की साइड में मार्क किया है उसको हम इस टाइप से मिलाते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर यह शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से स्लीव का राउंड लेंगे 6 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेना है और बीच एंड में कट लगाएंगे। तो देखिए इस टाइप से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। इस टाइप से हमने यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो देखिए ब्लाउज के साइड में एक साइड में लेस दी हुई है, तो एक साइड में ये लेस दी हुई है, तो इस लेस को हम पहले खोल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस लेस को खोल लिया है। अब हम ब्लाउज को इस तरह से बराबर में रखेंगे, बैक पार्ट को बराबर में करते हुए यहाँ से स्लीव को भी बराबर में करते हुए हम फैब्रिक को बिछा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे फिनिशिंग के साथ इसको बिछा लिया है। अब हम इस पर जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसको रखेंगे और जहाँ पर स्लीव के वर्क दिया हुआ है वहाँ पर हमें स्लीव को रखना है। तो देखिए साइड में हमारे थोड़ा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम अलग से जोड़ लेंगे और यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को रख लेना है। इस टाइप से हमने यहाँ पर लाइनिंग पीस को रख लिया है। अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, तो हमारे यहाँ पर सभी पार्ट्स कट हो गए हैं और स्लीव में जो फैब्रिक कम पड़ रहा है तो हम साइड में से अलग से फैब्रिक जोड़ लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हम फैब्रिक को रखेंगे और इसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। साइड से जो फैब्रिक कम पड़ रहा है उसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।